गिरिडीह के बगोदर प्रखंड के लगभग एक सप्ताह से बगोदर प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में 29 गजराजों का झुंड ने आतंक मचा रखा है, जिसके कारण बगोदर के जंगली तराई में अव्यवस्थित ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल व्याप्त है। बता दें कि बगोदर के बीहड़ जंगली क्षेत्र मुंडरों के गमहरिया टांड बांध टोला, कुदर पंचायत के डुमर डिल्ली, अटका पंचायत के कासिया टांग और अडवारा पंचायत के पहाड़पुर सहित कई गांवों में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों का घर तो उजाड़ा ही है, साथ ही साथ घर में रखे अनाज बर्तन सहित अन्य सामानों को बर्बाद कर दिया है, जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों का जीवन दूभर बन गया है। वहीं शाम होते ही इन जंगली क्षेत्रों में बसे गांव के लोगों ने हाथियों के आतंक का डर बना रहता है। ताजा मामला बीते रविवार देर रात का है, जब हाथियों ने जंगल से सटे पहाड़पुर ग्राम में प्रवेश कर यहां रहने वाले गरीब आदिवासियों के घर को तहस नहस करते हुए फसल सहित घर में रखे अनाज को चट कर गए। वहीं पहाड़पुर में अव्यवस्थित एक मध्य विद्यालय को भी क्षति पहुंची, जिसके कारण सोमवार को विद्यालय नहीं चल पाया। हालांकि वन विभाग का कहना है कि दिन में हाथियों के झुंड को भगाना मुश्किल है। ग्रामीणों के सहयोग और हाथी भागने की स्पेशल टीम के द्वारा अडवारा जंगलों से भगा दिया जाएगा। कितने दिनों से हाथी यहां पर विचरण कर रहे हैं? हाथी 3 दिनों से आए हुए हैं हमारे क्षेत्र में, तो इसको भगाने का प्रयास जारी है, जैसे अपने क्षेत्र से सुरक्षित निकालने के लिए। अभी पहाड़ी के इलाका में होने के कारण से थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है आज स्पेशल टीम द्वारा उसको बाहर निकाल लिया। लगातार एक सप्ताह से हाथियों का कोहराम मचा हुआ इस क्षेत्र में, वन विभाग इस पर अभी तक कारगर कदम क्यों नहीं उठाया? नहीं, कारगर कदम है, परंतु कुछ मजबूरियां होती हैं, जैसे हाथी को हम लोग ज़्यादा भी प्रेशर नहीं कर सकते हैं। 29 के संख्या में है वो लोग, बड़ा संख्या में है, तो प्रयास जारी है, आज उम्मीद है कि निकल जाएगा। फिलहाल अभी जो है हाथियों की झुंड इस बार तो अभी कम, लेकिन इस बार ऐसे आतंक मचाई है जो किसी रहने के लिए घर ने घर पूरा तरह क्षतिग्रस्त किया कर दिया। जो क्षतिग्रस्त किया है उसके लिए दुख है, लेकिन बात है हम लोग मिल के आए हैं उनसे, जहां तक हो सके उचित मुआवजा उन लोग को सरकार की ओर से। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बीते शनिवार को भी वन विभाग की टीम ने हाथियों को अडवारा जंगल से भगाया था, लेकिन हमारे गाँव में प्रवेश कर गए और कई घरों को तहस नहस कर दिया। क्या हुआ आपके यहाँ? हमारे यहाँ हाथियों द्वारा बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, सभी दरवाज़ा को तोड़ दिया है। उसके बाद जो है रसोई घर में जो स्टॉक सामान था, चावल और सारा बर्तन को भी एकदम तोड़ फोड़ कर दिया है, और सब्जी वगैरह था वो भी सब खा गया है। बर्तन तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और आज विद्यालय चल रहा है आपका? आज विद्यालय चल रहा है, पर बच्चे उपस्थित कम है, और मध्याह्न भोजन आज नहीं चल रहा है, कारण कि चूल्हा उल्हा सारा चीज़ जो है क्षति पहुंचा दिया है। कौन क्षति पहुंचाया है? ये हाथियों, हाथियों रात में जो आए, इन्हीं लोग ने ये किया है। बीते 10-12 दिन से बगोदर प्रखंड में हाथियों का झुंड घूम रहा है और पूरा कोहरा मचा रहा है। रात में लगभग 7:30 बजे अड़वारा पंचायत के टोला पहाड़पुर में 10 से 12 घर हाथियों ने तोड़ दिया है और लोग बेघर हो गए हैं। खाना का व्यवस्था, मतलब जो भी खाने पीने का व्यवस्था, वो सब बर्बाद कर दिए हैं। और प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है, वरीय पदाधिकारी से, कि यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थापित किया जाए, क्योंकि यहाँ खाने पीने बहुत दिक्कत हो रही है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, ताकि यहाँ के लोग गुजर बसर कर सके। क्योंकि लोग यहाँ देख रहे हैं कि घर बहुत ऐसा घर है कि तोड़ा गया है, जो घर रहने के लायक भी नहीं रहा, और क्योंकि रहने के लायक नहीं रहा तो इसमें बेघर हो गए हैं लोग। इसी से मेरा निवेदन है वरीय पदाधिकारी से कि जल्द से जल्द इसका कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। मकान का भी मांग कर रहे हैं? मकान का भी मांग यहाँ लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि रहने के लायक नहीं रहा है। कितने हाथी हैं? लगभग 30 से 35 हाथी हैं। अभी फिलहाल कहाँ? अभी फिलहाल मतलब हमारे पंचायत के जंगल में है, अभी गांव के बगल में। फिर रात में आने का फिर संभावना है, क्योंकि फिर अगर आ जाएंगे तो फिर परेशानी बढ़ जा रही है, यहाँ के लोगों को समस्या बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। इसीलिए प्रशासन से नम्र निवेदन होगा, क्योंकि फिर आने का समय, तो वन विभाग से मेरा विनती है कि फिर तैयारी अपना पूरा करके फिर उनको यहाँ आना होगा, क्योंकि हाथियों का झुंड बहुत बड़ा है। सब हमने के खाएगल थून
बर्तन वर्तन हल सब चपट उपट कर दल थून हमने देखलिए सबके साइड बह गलिए जान हमने के कुछ क्षति ना भेल लेकिन घर तुरंत नुकसान कर दल थून हमने की। आज रात हाथी आयल हल 7:30 बजे के लगभग में हमने सब जानकारी भे गल हल ओकर बाद एलती दू बार एलती एक बार एलती तो खाना उना भी नहीं बनवा पा रही तो एक बार चल गए हलती भाग गए हलती तक बाद फिर एक बार घूर के आ गए थी हाथी। कितना हल है कितना हाथी 7-35 गो हलती तो पूरा आप तोर घर पूरा तोड़ दार दिल। हाँ पूरा घर तोड़ तार ले आलू उलू हल चार उर हल से सब खाए गए केवारी उवारी सब तोड़ फाड़ दिल थी। अभी प्रशासन से की मांग कर खोज घर मांग कर खोज यार अभी घर है कि ना है अभी घर है। इधर इस घटना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग द्वारा इस मुक्त भोगियों को उचित मुआवजा दिलाने को लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है जिसके कारण ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। हाथियों से अपनी जान माल की रक्षा के लिए यहां के ग्रामीण रत जग्गी करने को बेबस है। अब देखना होगा कि हाथियों का झुंड को वन विभाग द्वारा कब इस जंगल से दूर हटाया जाएगा और यहां के ग्रामीण भाई मुक्त माहौल में अपना जीवन बसर कर पाएंगे। गिरिडीह से दिनेश कुमार रजक पंजाब के टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।